हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन एट प्रोजेक्ट एजुकेशन। सर्कल में अपन आगे बढ़ते हुए अपना आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ए ट्राइंगल हूज साइड्स आर गिवन बाय L1 इज इक्वल टू 0, L2 इज इक्वल टू 0 एंड L3 इज इक्वल टू 0। तो अपना क्या कंसेप्ट है, लाइन है, सर्कल है, सर्कल की साइड्स की इक्वेशन दे रखी है L1, L2 एंड L3 और अपन को A, B और C से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, ए बी और सी से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ऐसे ये फाइंड आउट करनी है अपन को, ठीक है, ए बी सी से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखो फ्रेंड्स क्या होगा, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला आपको याद ऐसे रखना है L1 L2, ये L1 पकड़ा किसी एक से मल्टीप्लाई कर दे, इधर से स्टार्ट ना ये इधर से, तो L1 L2 सेकंड में लैम्डा L2 L3 थर्ड में म्यू L3 L1 इज इक्वल टू 0, ये अपना फॉर्मूला हुआ। क्या L1 L2 L2 L3 L3 L1, यहां लैम्डा लगा दो, यहां म्यू लगा दो और यहां कुछ मत लगाओ, ठीक है। तो L1 L2 प्लस लैम्डा L2 L3 प्लस म्यू L3 L1, जरूरी नहीं है अपन किसी भी साइड्स को ले सकते हैं, सपोज इन दो को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहां लैम्डा लगा दिया, फिर यहां म्यू लगा दिया, ठीक है, ये बन गया। साथ साथ आपको क्या करना है, कंडीशन पे ध्यान देना है, क्या कंडीशन पे ध्यान देना है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये सर्कल की कंडीशन होती है। सेकंड कंडीशन अपन को लगानी है कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये दो कंडीशन अपन को लगा देनी है। तो आपको क्या करना है, आपको सर्कल की इक्वेशन दे रखी होगी, उनको इस फॉर्म में लिखना है, ये कंडीशन लगानी है, ये कंडीशन लगानी है, तो आपको क्या मिलेगा, लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू मिल जाएगी, लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिलेगी और उस वैल्यू को यहां पुट करने से आपको क्या मिल जाएगी, सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये तो ही यहां तक की बात कि आपको अगर ऐसी कंडीशन आए तो इस टाइप में सवाल को सोल्व करना है। साथ साथ आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि सपोज अपन स्ट्रेट लाइन पर चलते हैं, स्ट्रेट लाइन में क्या करना होता था, सर्कम सेंटर फाइंड आउट करना होता था। सर्कम सेंटर क्या होता था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता था इन सब का, ठीक है, ये सर्कम सेंटर होता था और ये इसका सर्कल होता था। तो सपोज आपको सर्कम सेंटर फाइंड आउट करना है तो पहले आप क्या करते थे, इन तीनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते थे, फिर PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC करते थे। उससे भी आसान तरीका ये रहेगा, क्या आप तीनों लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको, आप इस फॉर्म में लिखिए कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर करें, कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई 0 करें, लैम्डा एंड म्यू आपके पास आ जाएगा, इसमें पुट करें, सर्कल की इक्वेशन आपके पास आ गई। अब सर्कल की इक्वेशन आ गई तो सर्कल का जो सेंटर निकालोगे वही तो सर्कम सेंटर होगा, तो आप सर्कल का सेंटर निकालो वो सर्कम सेंटर होगा, तो आपका काम हो गया। तो आप स्ट्रेट लाइन के सवाल को सर्कल के फॉर्म से करें तो फटाफट हो जाएगा, तो इसको नोट डाउन करें फिर इस पे बेस्ट सवाल करते हैं। फ्रेंड्स अपन क्वेश्चन करते हैं, फाइंड सर्कम सेंटर, आपको जैसे स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन आता था, ये ट्राइंगल दे रखा होता था, उसकी साइड्स की इक्वेशन दे रखी होती थी और पूछते थे सर्कम सेंटर फाइंड आउट करो, ठीक है। तो आपको सर्कम सेंटर फाइंड आउट करना है या आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है, सर्कम सेंटर फाइंड आउट करना है तो आप सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करके उसका सेंटर लिख दीजिए, और अगर आपको सर्कल फाइंड आउट करना है तो आप सर्कल की इक्वेशन निकाल लीजिए और डायरेक्ट सर्कल की इक्वेशन लिख लीजिए, दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके के, दोनों के आंसर एक ही चीज से हो जाएंगे। अब देखो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, फॉर्मूला बोलता था क्या करना है, L1 L2 लैम्डा L2 L3 प्लस म्यू L3 L1 इज इक्वल टू 0, इस टाइप में अपन को क्वेश्चन को लिखना है। सबसे पहले फर्स्ट थिंग तो अपन लिखते हैं, देखो L1 क्या हो गया, x प्लस वाई माइनस 6, L2 क्या हो गया, L2 हो गया 2x प्लस वाई माइनस 4 प्लस लैम्डा, L2 क्या हो गया 2x प्लस वाई माइनस 4, L3 क्या हो गया x प्लस 2y माइनस 5 प्लस म्यू, आगे बढ़ते हैं, म्यू आ गया L3, L3 क्या हो गया x प्लस 2y माइनस 5, ठीक है फ्रेंड्स। एंड उसके बाद चलते हैं L1 क्या हो गया x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है फ्रेंड्स, ये अपन ने लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखें
अपने को पहली कंडीशन दी थी आपको करना है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर, एंड सेकेंड करना था आपको कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, आपको याद होगा। तो देखिए कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मैं डायरेक्ट क्या करता हूं कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेता हूं, कैसे, जैसे एक्स स्क्वायर की टर्म्स होगी वो लिखता हूं, एक्स स्क्वायर यहां टू आएगा है ना, एक्स स्क्वायर यहां, एक्स स्क्वायर यहां से टू आया, यहां से एक्स स्क्वायर की टर्म्स लेंगे तो टू एक्स स्क्वायर लेमडा, तो प्लस क्या आ जाएगा टू लेमडा आ जाएगा एक्स स्क्वायर को कॉमन लेने से, यहां पे आ गया म्यू एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो म्यू आ गया। अब मैं वाई स्क्वायर की टर्म्स लेता हूं, वाई स्क्वायर की टर्म ली तो वाई को वाई से मल्टीप्लाई करने पर वाई स्क्वायर आएगा तो वन, यहां पे वाई को वाई से करा टू वाई स्क्वायर लेमडा तो आ गया टू लेमडा, यहां पे टू वाई स्क्वायर और म्यू तो ये आ गया टू म्यू, वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया ठीक है। तो ये अपना हो गया दूसरी टर्म्स, फिर अपन एक टर्म्स लेते हैं एक्स वाई की टर्म्स, कि एक्स वाई की टर्म्स आती है, देखो एक्स को अगर वाई से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया वन ठीक है, एक्स को वाई से किया फिर इस वाई को एक्स के किया आया तो क्या आया टू, एक्स वाई कॉमन लेते जा रहा हूं, फिर यहां पे आते हैं टू एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया फोर वाई, तो ये हो गया फोर लेमडा वाई कॉमन सॉरी एक्स वाई फोर एक्स वाई लेमडा आ गया फोर लेमडा, फिर इस वाई को इस एक्स से किया तो एक्स वाई कॉमन ले लिया तो मेरे पास लेमडा आ गया। फिर आगे बढ़ता हूं म्यू पे एक्स वाई तो केवल म्यू आ गया, फिर उसके बाद टू वाई और एक्स को किया तो ये टू एक्स वाई तो ये टू म्यू आ गया, प्लस और फर्दर टर्म्स आएगी उससे मुझे मतलब नहीं है क्योंकि मुझे कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर करना है और कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई को क्या करना है जीरो करना है। तो ध्यान दे फ्रेंड्स ये वाला और ये वाला ये क्या कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मेरे टू लेमडा प्लस म्यू प्लस टू इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर टू लेमडा प्लस वन प्लस टू म्यू आ गया। तो देखो टू लेमडा से टू लेमडा गया म्यू उधर गया वन इधर आया तो म्यू इज इक्वल टू यहां से निकल के आया वन, तो म्यू की वैल्यू फ्रेंड्स वन आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं यहां चलते हैं कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई को जीरो करना है ठीक है, सबको एड करके लिखो ये वन प्लस टू हो गया थ्री, फोर लेमडा प्लस लेमडा हो गया फाइव लेमडा और ये हो गया थ्री म्यू इज इक्वल टू जीरो। अब म्यू इज इक्वल टू वन इसमें पुट करते हैं, म्यूजिकल टू वन हुआ तो ये क्या हुआ फ्रेंड्स सिक्स, तो फाइव लेमडा इज इक्वल टू हो गया माइनस सिक्स, तो लेमडा इज इक्वल टू हो गया माइनस सिक्स अपॉन फाइव, तो ये लेमडा की वैल्यू आ गई ये म्यू की वैल्यू आ गई। एक बार फिर से देख ले वन प्लस टू थ्री हो गया, फोर लेमडा प्लस लेमडा फाइव लेमडा ये थ्री म्यू हो गया, म्यू की वैल्यू वन पुट करी थ्री थ्री सिक्स हो गया माइनस सिक्स लेमडा इज इक्वल टू माइनस सिक्स अपॉन फाइव, लेमडा और म्यू की वैल्यू यहां पुट करने से अपने पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी डायरेक्ट, और सर्कल की इक्वेशन के जो सेंटर होंगे वो सर्कम सेंटर होंगे, तो ये बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो आप सेल्फ करें क्योंकि सवाल हो चुका है, बस वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करनी। थैंक यू वेरी मच।